नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 7 हिंदी कक्षा 7 हिंदी पेपर 2022। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे हिंदी पेपर से रिलेटेड सवाल जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 7। और भी मॉडल सेट आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, और भी सब्जेक्ट जो है आपका देख सकते हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका कब फहराया गया? तो 25 जुलाई 1857 हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। दूसरा सवाल है, भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो तमिलनाडु में हुआ था, हमारा आंसर होगा ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव बनो कविता में कवि ने जिन भूलों की चर्चा की है इनमें से कौन सही है, प्यार, मनुहार, आसरा या श्रद्धा? तो दोस्तों आपको हम बता दें आसरा का, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ग नंबर। नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था, चार नंबर है। तो दोस्तों आपको हम बता दें मृत्यु का। किस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाला पंडित होता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। तो प्रेम की। देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अष्टम क में पाठ का नाम है, अष्टम ख में विद्या का नाम है। तो अष्टम क से ख में मिलान करना है जन्म बाधा। तो जन्म बाधा जो है आपको एक कहानी है, घ में मिला देंगे। बुढ़ी पृथ्वी का दुख जो है कविता है, इसको हम ग में मिला देंगे। हु एन सत्यम की भारत यात्रा जो है यात्रा वृतांत है, इसको हम ख में मिला देंगे। बचपन के दिन, चार नंबर, बचपन के दिन जो है संस्मरण है, इसको हम अंग में मिलाएंगे। ऐसे ऐसे एकांकी है, इसको क में मिला देंगे। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है आपको, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कह सकते हैं, सर्वज्ञ। जो पिता की भक्ति करता है उसे प्रीत भक्त कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीत भक्त। जो सहनशील हो उसे हम सहनशील कहते हैं, सहनशील। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसे दृढ़ निश्चयी कहते हैं। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसे आत्मज्ञानी कहते हैं। और चार नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है आपको, 50 शब्द में लिखना है। और आपका ये है सवाल, पाठ्य पुस्तक में कबीर का कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा, उस दोहे को लिखकर उसका भावार्थ लिखना है, ठीक है। सबसे अच्छा दोहा आपको कौन लगा है वही जो है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा दोहा देखिए आपको हम बताते हैं हमारे नज़र से, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरिया करेगा कब। हमें यह दोहा सबसे अच्छा लगा, इसका भावार्थ है, जिस काम को कल करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगा तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो, इसका मतलब यही हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।